बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार। कितनी अजीबोगरीब बात है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चेहरों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे आज उन्हीं की तरह होते जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं इस कार्यक्रम में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गांधी परिवार के एक एक नेता से दिल से नफरत करते हैं आज वो उन्हीं की तरह हो गए हैं। मैं आज आपका परिचय कराने वाला हूं इतिहास के एक दिन से, 17 फरवरी 1980, वो तारीख जब इंदिरा गांधी ने फैसला किया था कि वो 9 सरकारों को बर्खास्त करेंगी। जी हां, आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उनके खास यशपाल शर्मा। जी हां, यशपाल शर्मा उनके दूत थे और उस दूत को उन्होंने पूरे भारत के भ्रमण पर भेजा, तमाम राज्य सरकारों को डराने के लिए, वहां पर डिफेक्शंस कराने के लिए, वहां की सरकारों को गिराने के लिए, और एक ही दिन पर 9 सरकारें गिरा दी गई थी। अब आप कह सकते हैं कि इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे की जा सकती है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि उस वक्त संविधान की धज्जियां स्वर्गीय इंदिरा गांधी उड़ा रही थीं, एक एक राज्य को इस तरह से बर्खास्त करके, और हवाला यह दिया जा रहा था कि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को रौंद कर इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि राज्यसभा में वो अल्पमत में है और देश के अंदर जो वो कई काम करना चाहती थी राज्यसभा में अल्पमत में होने की वजह से नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन तमाम राज्यों को रौंदा गया। आज क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक करके इन राज्यों पर गौर कीजिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कोशिश की गई, महाराष्ट्र में इस वक्त ड्रामा चल रहा है। एक एक करके साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विपक्षी राज्यों को गिरा रही है, कहीं पैसे का लालच देकर, कहीं एजेंसीज का इस्तेमाल करके। ऐसा लग रहा है कि 19 का इतिहास, ऐसा लग रहा है कि 1980 का इतिहास मानो खुद को दोहरा रहा है। मगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि दरअसल 1980 में हुआ क्या था। दोस्तों, इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम जो अब मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर उससे पहले मैं कुछ चेहरों से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। एक एक करके ये चेहरे आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास, इनकी सरकार को गिरा दिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास, इनकी भी सरकार को गिरा दिया गया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, 1980 में फरवरी और मार्च में इनकी सरकार को भी गिरा दिया गया था। सुंदरलाल पटवा, ये थे जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री, इनकी सरकार को भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 17 फरवरी के अपने उस फरमान के जरिए गिरा दिया था। शरद पवार, जो कांग्रेस से जुदा होकर उन्होंने अपनी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में बना ली थी, उनकी सरकार को भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गिरा दिया था। प्रकाश सिंह बादल, जी हां, इनका पंजाब में राज था और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 13 में से 12 लोकसभा सीटें मिली। कांग्रेस के अंदर इस कदर अहंकार आ गया था कि उन्हें लगा कि चलिए अब हम पंजाब की सरकार को भी गिरा देते हैं। उसके बाद बाबू भाई पटेल, जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 17 फरवरी 1980 के अपने उस आदेश के तहत गिरा दिया था। और नीलमणि राउत्रे, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सरकार इसी तरह से गिरा दी गई। और अंत में नाम आता है एमजी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के थे, उनकी सरकार को भी इसी तरह से गिरा दिया गया था। तो ये तो तमाम नाम थे दोस्तों जो झुके नहीं थे इंदिरा गांधी के फरमान के आगे, मगर अन्य ऐसे कई राज्य थे जहां डरा धमका के, दल बदल करवा के, क्योंकि उस वक्त एंटी डिफेक्शन कानून नहीं था, लालच देके धमका कर सरकारों को गिरा दिया गया। और वो कौन सी सरकारें थी, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। कर्नाटक की सरकार, सिक्किम की सरकार, हरियाणा की सरकार और हिमाचल प्रदेश। जी हां, जहां जहां पर कांग्रेस राज में नहीं थी उन तमाम सरकारों को इंदिरा गांधी ने गिरा दिया।
क्या कह के कि वो चाहती थी इन तमाम राज्यों में उनकी सत्ता रहे और वो देश में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर और अपनी नीतियां बहाल कर सके। दिलचस्प बात यह थी दोस्तों कि जो तमाम राज्य मैंने आपको गिनाए हैं, बाद में उनमें चुनाव हुआ और इनमें से अधिकतर में या ये कहा जाए सभी में कांग्रेस सत्ता में आ गई। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को शानदार बहुमत मिला था, शानदार जीत मिली थी और उसी लहर में उसने पहले राज्यों को बर्खास्त किया और बाद में जीत हासिल की। अब आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों? जाहिर सी बात है, यहां पर संविधान की धज्जियां स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उड़ा दी थी। और पिछले 8 सालों में क्या हो रहा है? पिछले 8 सालों में जो काम हो रहा है राज्य सरकारों के साथ वो आपराधिक है। आप पैसे का इस्तेमाल करके सरकारें गिरा रहे हैं। जी हां, ये ना भूलें, कर्नाटक में जिस तरह से सरकार गिरी थी, बाकायदा बीएस येदियुरप्पा की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई थी सामने, जिसमें वो एमएलए से बात कर रहे थे कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको ये देंगे वो देंगे, और इस पर मीडिया ने कोई चर्चा नहीं की। ये ना भूलें, मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान ने एक रैली में कहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने का फरमान सीधा मोदी जी या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया था, यह किसी और ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। खुलेआम हो रहा है दोस्तों ये। और अब जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी वो खेल चल रहा है। इस ऑपरेशन लोटस के सामने ये दो चेहरे सामने आ रहे हैं, गुजरात से भाजपा के सांसद सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ये दोनों ऑपरेशन लोटस के पीछे हैं। देवेंद्र फडणवीस बार बार दिल्ली जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। मकसद साफ है कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये ना भूलें, गुवाहाटी में इस वक्त जहां एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए ये शख्स हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो मिलने जाते हैं। और इन बागी विधायकों ने किन राज्यों में जो है शहली, पहले गुजरात और उसके बाद असम। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जिस चीज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो वही बनते जा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब इंदिरा गांधी का जलवा था तब उनके एक चाटुकार ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज यही बात भारतीय जनता पार्टी का हर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा। क्या यह बीजेपी के लिए शर्म की बात नहीं है कि जिसको आप पानी पी पी कर गाली देते हैं, जिसकी सोच को आप लगातार गाली देते हैं, आज आप बिल्कुल उनकी तरह होते जा रहे हैं? और यह बात भूल जाइए दोस्तों, कम से कम इंदिरा गांधी के टाइम अगर हम आपातकाल को छोड़ दें तो इंदिरा गांधी ने जब जब राज किया मीडिया को उनकी आलोचना करने का अधिकार था। अब इंदिरा गांधी के दौरान, उनके वक्त के दौरान एक चाटुकार ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मगर अब हमारा मीडिया देखिए, हमारा मीडिया तो कहता है कि मोदी जी इंडिया के पापा हैं। ये भूल जाइए दोस्तों, नोटबंदी एक कदम लेकर आया गया था और आपको याद होगा जी न्यूज के एंकर ने कहा था कि नोटों के अंदर नैनो चिप है। बात वहां नहीं रुकी, आज तक नाम के एक और चैनल में भी बाकायदा चर्चा हुई थी कि नोटों की गड्डियों के अंदर चिप है और इस चिप को सैटेलाइट के जरिए पकड़ा जाएगा। भारत मंगल ग्रह में अपनी मौजूदगी दर्ज करता है और उसके लिए भी मोदी मोदी। ये भूल जाइए दोस्तों, इस चैनल का एक कार्यक्रम देखिए, मोदी जी दिलवाएंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप। हर बार भारत जब भी किसी सेमीफाइनल में पहुंचता है तो मोदी मोदी शुरू कर देते हैं। ये तो इंदिरा गांधी के वक्त भी नहीं हुआ था। और यह बात अलग है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक पिछले 8 सालों में भारत ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, एक भी खिताब नहीं जीता। भारत क्रिकेट में बद से बदतर होता जा रहा है। अब मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री को नहीं दे रहा हूं, मगर यह न्यूज चैनल्स बेशर्मी से
वर्ल्ड कप में संभावित जीत के लिए प्रधानमंत्री को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स को देख रहे हैं, जब आप उन तमाम डिबेट्स को देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो प्रवक्ता की भी जरूरत नहीं है। तमाम एंकर्स आज की तारीख में भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। तो मैं जो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्रचार तंत्र न सिर्फ आपातकाल की इंदिरा और 80 की इंदिरा की सोच से इंस्पायर्ड है, बल्कि उससे कई कदम आगे चल गए हैं। जिस तरह से सरकारें बर्खास्त की जा रही हैं वो आपराधिक है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को इनकम टैक्स ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है वो भी आपराधिक है, वो भी अनैतिक है। मगर ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीति किस देश पर की है? पाकिस्तान पर। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो इस शख्स गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर मोदी जी नहीं पसंद हैं और अगर मोदी जी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। यानी हर चीज के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता था, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तानी हो। आज क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वहां की माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा जाता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, इस देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हिजाब पहनने की आजादी नहीं, मुस्लिम औरतों को बुल्ली और सुल्ली डील्स के लिए नीलामी की जाती है, मॉब लिंचिंग्स। इसके अलावा आपको याद होगा नूपुर शर्मा ने जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब को गाली दी थी, उनके बारे में अनाप शनाप कहा था। मुसलमान जब सड़क पर उतर आया था तो उसके खिलाफ रासुका, मगर अग्निवीर योजना के खिलाफ जब लोग उतर कर आए थे तो फर्क आपने देखा था ना। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो उस वक्त की कांग्रेस जैसी दिखाई और सुनाई पड़ती है जब कांग्रेस अपना बेजा इस्तेमाल करके सांविधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही थी, सांविधानिक मूल्यों की ऐसी तैसी कर रही थी। यानी कि तुम वो बन गए हो जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।